पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने अंबानी वेडिंग पर साधा निशाना। पाकिस्तानी एक्ट्रेस जोया नासिर ने अंबानी वेडिंग को कहा वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। वेल, बॉलीवुड में यूं तो कई सारे पाकिस्तानी एक्टर्स काम करना चाहते हैं, पर फिर भी हाल फिलहाल में उन्होंने कई बार अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। वेल, हीरा मंडी के रिलीज के दौरान सरहद पार से कई आर्टिस्ट ने संजय लीला भंसाली को किया था स्लैम, जिनमें एक्ट्रेस ऊष्णा शाह थी शामिल, जिनका मानना था कि हीरा मंडी इज इन लाहौर और यह हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए इस टॉपिक पर कोई भी सीरीज या फिल्म भारत को नहीं बनानी चाहिए। और अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस जोया नासिर ने अंबानी वेडिंग पर ली है चुटकी। वेल, जहां अंबानी वेडिंग फंक्शंस की लैविश सेरेमनीज की देश विदेश में हो रही है काफी चर्चा, तो वहीं जोया नासिर ने इसे सीधे तौर पर वल्गर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ बताया है। Well, Zoya took to her Instagram handle and she wrote, "Haven't seen such a vulgar display of wealth. Yes, you have hard-earned money and you want to celebrate and show the world, but this does not look like a beloved son's celebration to me." Well, Zoya पाकिस्तान की मशहूर एक्ट्रेस हैं जो वहां के कई ड्रामा सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। Well, Zoya के पोस्ट से एक बात तो साबित हो गई है कि इन लैविश सेरेमनीज के वो खिलाफ हैं और वो साफ तौर पर राधिका और अनंत की वेडिंग फेस्टिविटीज को कर रही हैं टारगेट। आपको बता दें, राधिका आनंद के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन मार्च में जामनगर में हुए थे, जहां रिहाना से लेकर दिलजीत दोसांझ ने किया था परफॉर्म, और अब हाल ही में संगीत सेरेमनी पर जस्टिन बीबर ने किया परफॉर्म, और रिपोर्ट्स की माने तो जस्टिन चार्ज्ड 83 करोड़। और अब पूरे देश को इंतजार है 12 जुलाई का, क्योंकि तब है राधिका आनंद की शादी, और जहां प्री वेडिंग फंक्शंस हुए थे इतने ग्रैंड, तो अब उम्मीद है कि शादी उससे भी ज्यादा ग्रैंड होगी।